हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समीनाज किचन ऑफिशियल। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो हर घर में बनती है। तो आज हम बनाने वाले हैं दाल फ्राई बहुत ही इजी वे में। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो दाल फ्राई बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगने वाले हैं दाल। तो ये है तुअर की दाल और मसूर की दाल। मैंने कुकर में उसको बॉईल करके ले लिया है। थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा तेल डाला था मैंने कुक करते समय। अब हम इसको साइड में रख देंगे और एक पैन ले लेंगे गैस के ऊपर। उसमें हमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है। देन हम उसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून राई, 1/2 टेबलस्पून जीरा। इसको हम अच्छे से कुक होने देंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज चॉप ओनियन। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देन हमें डालना है 3 से 4 ग्रीन चिली। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप और ज़्यादा भी डाल सकते हो। देन कुछ करी लीव्स डालेंगे और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हमें उसमें डालना है 1 मीडियम साइज टोमेटो चॉप कर। अब हम हमारे टोमेटो जो है उसको अच्छे से कुक कर लेंगे। उसके बाद हमें उसमें डालना है 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी हमें अच्छे से कुक कर लेना है ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। ये होने के बाद अब हम उसमें डालेंगे ड्राई मसाला। जो ड्राई मसाले में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है चिकन मसाला। हमें इस दाल में 1 बिग टेबलस्पून चिकन मसाला डालना है और 1/2 टेबलस्पून हमें रेड चिली पाउडर डालनी है। इससे क्या होता है, हमारी दाल का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। तो आप लोग चिकन मसाला ज़रूर डालिएगा। तो हमने हमारी जो दाल थी वो भी इसमें डाल दी है। अब आपको जितना थिकनेस पसंद है, जितनी गाढ़ी या जितनी पतली दाल आपको पसंद है, आप उतना पानी ऐड कीजिएगा और सॉल्ट एज पर टेस्ट हमें डालना है। देन हम उसमें कुछ करी धनिया डालेंगे कटी हुई और इसको 5 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। आप इस तरीके से दाल ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है गाइस। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसको दाल को आप स्टीम राइस के साथ एंजॉय कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।